नहीं रे हाँ बाबा बादल दिखा ना बादल है तो किधर उधर सोमोरी में जब तुम कोई ऐसी जगह पे जाने का डिसाइड करते हो जो ना तो कभी तुमने देखी हो ना ही उसके बारे में कभी सुना हो तो वो सफ़र ऑलरेडी एक्साइटेड बन चुका होता है। इस बार हम दो मेन प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले थे। एक था हांडले जहां मस्त अपना मिल्की वे दिखता है और एक था सुमरीरी लेक जिसके बारे में मैंने तो ये सुना है कि ये पैंगोन लेक से भी खूबसूरत है। आठ घंटे का ले और ख़त्म हुआ। मैं अब एक्चुअली उस फ्लाइट में था जो दिल्ली से लेह जा रही थी। ये मेरा सिक्स टाइम था जब मैं लेह जा रहा था और मेरे कोई फ्रेंड्स ऑलरेडी वहीं पे थे। आधे घंटे के बाद फ्लाइट के दोनों साइड से बर्फीले पहाड़ दिखने लगे। अब सिर्फ कुछ ही वक्त बचा था जब मैं लेह पहुँचने वाला था। ऑब्वियसली मुझे कोई रिसीव करने नहीं आया था तो मैं सीधा गुरमत के नए रिसॉर्ट पे चला गया। फिर भी सभी से मिलने के लिए एक्साइटेड था और शायद वो भी होंगे। धीरे धीरे दोस्तों से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और एक शानदार सफर का भी। गुरमत के पास पहुंचा, चाय पानी ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर इंतज़ार किया। वैसे प्लानिंग तो कुछ भी नहीं था। फिर हम सब साथ आए और फिर उसके बाद हम सोचने लगे। ठीक है रहने दे, मैं गुरमत के पास हूँ, इधर आ जाओ। हाँ ये तो मैं तो होटल से आया था। हमारे पास सिर्फ चार ही दिन थे तो प्लान कुछ ऐसा बना कि आज हम सुसपोल जाएंगे, कल हांडले और फिर परसों सुमरीरी। लेह में पहुंचने के बाद वो बोलते ना कि एक्मेटलाइज हो जाओ, इधर उधर मत घूमो। तो हमारे पास एक्मेटलाइज होने के लिए वक्त नहीं था, पर हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने लेह से 70 किलोमीटर दूर सुसपोल या सोसपोल ऐसी कोई जगह है वहाँ पे बढ़िया केव्स देखने का डिसाइड किया। तो हम जा रहे हैं अभी सुसपोल। सुसपोल क्या यार? सुसपोल लेह कारगिल हाईवे पे एक छोटा सा गांव है और वहां पे पहुंचने पे सिर्फ एक ही चीज को सुकून मिलता है, वो है अपनी आंखें। यहाँ पे कुछ केव्स है पुराने जमाने में और कुछ जो रॉक है वहाँ पे कुछ आर्ट किया गया है कुछ, और उसमें पेंटिंग किया गया है। अरे नाम मैंने पढ़ा, नाम मैंने सुसपोल पढ़ा, पर प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता ना? वो नहीं तो तू बोल रहा है कि वहाँ पे चित्रकला पता नहीं क्या है, वो कब का है ना। अभी जैसा मेरा नाम है रोहन, ओके? हाँ
अभी अमेरिके में गए तो क्या बोलेंगे? अमेरिके में यूएसए में गए तो क्या बोलेंगे? यूएसए इसी अभी ऐसा है कि मेरा नाम और तू नासिक गए तो क्या बोलेंगे? ए चुचिया, ए चुचिया। सेंट पॉल केव्स टेंपल 10 सेंचुरी में बनाए गए थे और लड़ाख रीजन में बचे कुचे पुराने टेंपल में से ये एक है। सो गाइज, अभी हम सोसपॉल के केव्स ढूंढ रहे हैं और अभी उन्होंने बताया कि यहाँ से थोड़ा सा चढ़ के जाना पड़ेगा, तो यहाँ से कहीं तो भी इस साइड से कहीं तो भी केव्स के लिए रास्ता जाता है, तो हम वहीं पे अभी जाएंगे। ये वाला भले सस्पॉल केव्स हमारे लिस्ट में नहीं था, पर यहाँ के दिल खुश हो गया। बस 10 मिनट की चढ़ाई थी और उसके बाद नज़ारे ही नज़ारे। हमारे सामने हर रंग था, किसी पहाड़ पे सफ़ेद बर्फ था तो कोई गांव हरे पेड़ पौधों से ढका था। सामने नीले रंग की नदी बह रही थी तो पीछे सुनहरे रंग का आसमां था। ये कहा जाता है कि ये पेंटिंग्स हजार साल पुरानी है, पर उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि कल ही किसी ने इसको बनाया होगा। केव्स देखने के बाद हम एक कैफ़े में गए, वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट किया और फिर हम सब हमारी लेह की पहली शाम की पार्टी में शामिल हुए। इस अनप्लान पार्टी का माहौल अनोखा था, धीरे धीरे वो माहौल चढ़ता गया। लेह की पहली कड़ाके की ठंड, सामने गिटार, चार दोस्त और कल सुबह हांड ले जाने की एक्साइटमेंट, बस आज रात के लिए इतना काफी था। मॉर्निंग में हम 7 बजे निकलने वाले थे पर हमें 10 बज गए। लेह से हांडले 250 किलोमीटर है, यानी हमारे कैलकुलेशन से अब 10 घंटे की जर्नी थी। बाहर तो सब बढ़िया था, हमारे साथ चलने वाली इंडस रिवर बोलो, यहाँ के टार रोड्स बोलो, या हर 5 किलोमीटर में चेंज होने वाले लैंडस्केप बोलो, सब नायाब था। पर बॉडी अंदर से थक चुकी थी और उस कंडीशन में हम और ऊंचाई पे जा रहे थे जहाँ ऑक्सीजन की कमी और ठंड दोनों एक्सट्रीम थे। कुछ घंटों के बाद हम चुमथांग पहुँचे, फिर वहाँ के हमने फेमस हॉट स्प्रिंग देखे और फिर हम हांडली की तरफ निकले। गाइस अभी लड़ा की डोंकी दिखे, मस्त
मेरे को बहुत पसंद है एक्चुअली. वो यहाँ पे गाड़ी से हम जा रहे थे तब यहाँ पे दिखा और सडनली वी स्टॉप एंड इट्स अ बेस्ट. यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी खासी है बट यहाँ पे मैक्सिमम कैमोफ्लाज होता है तो दिखना और उनको ढूंढ पाना मुश्किल होता है. तो फॉर्चुनेटली वो यहीं पे थे ग्रास पे सो वी कुड एबल टू फाइंड एंड टेक पिक्चर्स ऑफ लड़ाकी डोंकी. सो वाइल्ड लाइफ कोई भी हो और कहीं पे भी हो मुझे इनके पिक्चर्स वीडियोस लेने में बहुत मज़ा आता है और इनको देखने के बाद मेरे मन में कहीं ना कहीं स्नो लेपर्ड देखने के थॉट्स आने लगे. वैसे हार्डले में गैलेक्सी और स्टार के अलावा स्नो लेपर्ड भी दिखने का चांस होता है पर उसके लिए बहुत प्लानिंग और पेशेंस की ज़रूरत होती है. अगर चांस मिला तो अगले साल यहाँ ज़रूर आऊँगा स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए. चाइना बॉर्डर चालू होते तो वी आर एग्जैक्टली वेरी नियर टू चाइना बॉर्डर और अभी फिलहाल मतलब हांडले एक्चुअली चाइना के नज़दीक ही आता होगा ना करेक्ट. तो यहाँ पे हम जा रहे हैं जस्ट इस साइड के रोड से. थोड़ा रुक के कहीं पे तीज चल के हम हांडले के नज़दीक आ रहे थे. रास्ता जैसे एक रेगिस्तान से गुजरता हो ना एक पेड़ ना घर. हर जगह अपने सोल्जर्स थे और उन्हें देख के हम और भी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे. अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि हम इंडिया में हैं. ऐसा लग रहा था कि हम किसी और प्लैनेट पे हैं. ये सब ड्रीम जैसा था. So guys, we are reached to Handle और अभी अमित just guest house ढूंढ रहा है. क्या सोच रहे? What Handle get? चल अंदर जा क्या तू? क्या दिख रहा है आपको? एक black screen? नहीं, ये Handle से दिखने वाला sky था. उस दिन galaxy तो दूर की बात है. हमें कुछ ही stars दिखे. और बाद में ये पता चला कि उसके लिए भी planning की ज़रूरत होती है. तो आज एक काम करेंगे सोमोरेरी पहुंचेंगे फिर डिसाइड करेंगे. हाँ फिर डिसाइड करेंगे. सोमोरेरी में आज रात को नहीं तो कल स्नोफॉल भी हो सकता है. ये चांस नहीं रे. हाँ बाबा बादल दिखा ना. बादल है तो किधर है? उधर सोमोरेरी में. क्या हुआ? हांडले में और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन था वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी पर वो भी 10 बजे खुलने वाली थी तो हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने डायरेक्टली सोमोरेरी जाने का फैसला किया. क्या किया? तो आधा घंटा वेट करने का है या निकलने का? क्या तुम सब लोग डिसाइड? ऊपर से क्या दिखेगा? क्या है ऊपर? कुछ नहीं वो जो था वही तो निकलते हैं ना. क्यों निकलने का? हां ऑफ कोर्स निकलते हैं. निकलते भाई निकलते हैं. सोमोरेरी जाना है जल्दी. वही सो अभी हम रुके हैं न्योमा में थोड़ा नाश्ता करने और उसके बाद हम माहे पहुंचेंगे. माहे इधर से तकरीबन 20 किलोमीटर है और उसके बाद हम जाएंगे सोमोरेरी. सोमोरेरी माहे से हम शायद लेफ्ट लेंगे और वहां से सोमोरेरी की तरफ निकलेंगे.
सुमुरुरी लेक पहुंचने से पहले हमें एक छोटा सा क्यागर लेक दिखा। इतना खूबसूरत नीला उसका पानी था कि हम वहीं रुक गए। वो लेक को देखने के बाद हम बड़ी आसानी से जल्दबाजी भूल गए, क्योंकि इस पूरे जर्नी में हमें अभी तो कुछ वक्त मिला था जो हम हमारे लिए दे सके। वहाँ घंटों बिताने के बाद हमें सुमुरुरी पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। सो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं सुमुरुरी और थोड़ा सा नाश्ता करके हम अभी फिर से होटल में जा रहे हैं। बहुत ही ठंडी जगह है। वो सब लोग जो ले आके बोलते हैं कि एक्मेटलाइज हो जाओ, वो सच है। दिल खुश था पर बॉडी नाराज। ऑक्सीजन लेवल 57 थी, 102 बुखार था। जहां मैं उस वक्त उस जगह था, उसे मैं सिर्फ दूर से देख रहा था। सुमुरुरी लेक मेरे सामने था पर उसे बिना छुए हम सबको लेह वापस जाना पड़ा। ये बात हमेशा मेरे साथ रहेगी। अभी फिर से दोस्तों को अलविदा कहने का वक्त था। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अगले साल जरूर इन पहाड़ों में वापस आऊंगा, पर इस बार स्नो लेपर्ड को ढूंढने। चार रूम है तो चार रूम का चार बकेट पानी मिलेगा क्या? है चार रूम का चार कैसे मिलेगा? क्या बता है पीछे आंटी हम तो समझ नहीं आता है। हम लिख के देता है, आपको समझ में आ जाए। अंडा के अंडा के खाएंगे रात को, भी बता रहा हूँ। अंडा के भी मस्त करना, मस्त करेगा, पैसे देना। कितना बोलो अभी तो डिनर पकड़ के।